हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ट्यून अप ओ टीन्स। ओ टीन्स, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम ग्लोसरी पढ़ेंगे। ग्लोसरी पढ़ने के बाद इस वीडियो लेक्चर की सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। शुरुआत करते हैं अपनी ग्लोसरी की। ऑन बिहाफ ऑफ, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, की ओर से, की तरफ से। काउंसलिंग, एडवाइसिंग समवन, सलाह, किसी को सलाह देना। साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक। प्रोमिनेंट, वेल नोन, प्रसिद्ध, फेमस। डाइटिशियन, अ पर्सन हुज जॉब इज टू एडवाइस, एक इंसान जिसका काम होता है सलाह देना। पीपल, लोगों को। अबाउट व्हाट टू ईट फॉर अ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए, उसको हम हिंदी में कहते हैं आहार विशेषज्ञ। क्वेरी मीन्स क्वेश्चन, यानी सवाल। डिग्निटरी मीन्स पर्सन हु हैज इंपॉर्टेंट पोजिशन, ऐसा इंसान जिसकी पोजिशन बड़ी हो, यानी कि उच्च अधिकारी। डायस, अ प्लेटफॉर्म, स्टेज, यानी कि मंच। चेरिस, चेरिस मीन्स फील अट्रैक्शन फॉर, किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होना, यानी कि उसको संजोना, उसका लालन पालन करना। अप्रोच, ड्रो क्लोजर, पास जाना। परस्पायरिंग, पसीने से भीग जाना या पसीने से भीगा हुआ। एपथी, इनसेंसिटिविटी, यानी कि बिल्कुल भी सेंसिटिविटी ना होना, यानी उदासीनता, कोताही, बेपरवाही। बोर्डम, जो बहुत ही बोरिंग हो उसे कहते हैं बोर्डम। स्ट्रेस, अ स्टेट ऑफ मेंटल टेंशन, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारा माइंड टेंशन में होता है, तनाव में होता है, यानी कि तनाव, थकान। एसोसिएट, टू बी टुगेदर, साथ में होना। कनेक्टेड विथ, जुड़ा हुआ होना, यानी कि जुड़ना या साथ में करना, साथ करना। एमिनेंट, सक्सेसफुल, वेल नोन, यानी कि सफल, प्रसिद्ध। एकेडमिक, ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शैक्षिक। इंटरेक्ट, टॉक विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों से बात करना, यानी कि बातचीत करना। कम्युनिकेशन, संपर्क, संचार। रिटेंशन, एन एबिलिटी टू रिटेन थिंग्स इन माइंड, माइंड के अंदर चीज़ों को याद रखने की ताकत को कहते हैं रिटेंशन, हिंदी में कहेंगे यादाश्त। प्रोवर्ब, सेइंग, मुहावरा, कहावत। फ्लो चार्ट, चार्ट दैट शोज स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस, ऐसा चार्ट जो स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोग्रेस दिखाता है, शो करता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुक्रम चार्ट। रिफ्लेक्टिव, थिंकिंग केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना, यानी कि उसके बारे में विचार करना, हिंदी में कहेंगे विचार मग्न। लॉजिकली, थिंकिंग एंड रीजनिंग, सोचना, लॉजिकली सोचना, जिसको हिंदी में कहते हैं तर्क संगत। ब्रेनस्टॉर्म, ग्रुप क्रिएटिविटी, टेक्निक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी टॉपिक के ऊपर सोचना, मंथन करना, उसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म, नए नए आइडियाज क्रिएट करना। अडॉप्ट, बिगिन टू यूज मेथड, किसी तरीके को इस्तेमाल करना, शुरू करना, उपयोग शुरू करना या अपनाना। साउंड, साउंड मीन्स सीम, सुनने में लगना, जब कोई चीज़ सुनने में कैसे लगती है, जब कोई चीज़ में साउंड होता है और वो सुनने में कैसे लगती है, उस लगने के अर्थ के लिए हम साउंड का इस्तेमाल करते हैं। सफ़र, बिकम वर्स बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की वजह से खराब हो जाना, बद से बदतर हो जाना, यानी कि कष्ट सहना, दर्द सहना। जंक्चर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन ए प्रोसेस और एक्टिविटी,
किसी प्रोसेस में या किसी एक्टिविटी के अंदर जो मेन पॉइंट होता है, मेन टर्निंग पॉइंट होता है, उसे कहते हैं जंक्शन, यानी कि नया मोड़। गेट टेम्प्टेड, बी अट्रैक्टेड टू डू रॉन्ग, गलत को करने के लिए अट्रैक्ट होना, उसे कहते हैं ललचाना। ऑडिबल, एबल टू बी हर्ड, सुनाई देने योग्य, जिसको सुना जा सके, ऐसा उसे कहते हैं ऑडिबल। एडोलेसेंस, टीन्स, यानी किशोरावस्था, किशोरावस्था में जो लोग होते हैं, यानी कि 13 साल से लेके 19 साल से बीच की जो एज होती है, उसको हम कहते हैं टीन्स, एडोलेसेंस कहते हैं उसको। प्रीचिंग, स्पीकिंग इन एन अनोइंग वे अबाउट द राइट वे टू बिहेव, सलाह या उपदेश देना। इंटेंशन, पर्पस, एम, इरादा, मकसद। इरिस्पेक्टिव, विदाउट थिंकिंग टू समथिंग एल्स, बिना किसी चीज़ पे ध्यान दिए। ट्राइफल, समथिंग दैट हैज़ नॉट मच वैल्यू, ऐसी चीज़ जिसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो, यानी कि छोटी सी बात, छोटी सी चीज़, तुच्छ वस्तु, जैसे कोई वैल्यू ना हो, वैल्यू कम हो जिसकी। ईज, ईज मीन्स कंफर्ट ऑफ बॉडी और माइंड, माइंड और बॉडी का आराम, यानी कि आराम, सहूलियत, चैन। ऑब्वियस, इजी टू सी और नोटिस, जो आसानी से देखा जा सके और नोटिस किया जा सके, यानी कि स्पष्ट, जाहिर। डाई फॉर, टू क्रेव इंटेंशनली, यानी कि किसी चीज़ के लिए तरसना, तड़पना, किसी चीज़ के लिए मरना या तरसना। क्रंची, मेकिंग लाउड साउंड व्हेन च्यूड, जब किसी चीज़ को हम चबाते हैं तो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं कुरकुरा या कुरकुरी चीज़, इंग्लिश में कहेंगे क्रंची। मेटाबॉलिज्म, द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टन, डाइजेस्टन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं चयापचय, रस क्रिया, पाचन क्रिया। स्पॉन्टेनिटी, स्वाभाविकता। ड्राउसी, टायर्ड एंड रेडी टू फॉल अस्लीप, यानी कि ऊंघता हुआ, नींद से भरा हुआ, हम इतना थक जाते हैं कि हमको नींद आने लगती है, उस कंडीशन को कहते हैं ड्राउसी। अल्टीमेटली, एट लास्ट, अंत में, आखिर में। स्टार्व, सफ़र और डाई फ्रॉम लैक ऑफ फूड, फूड की कमी की वजह से मरना या कष्ट सहन करना, उसको कहते हैं स्टार्व, भूखे मरना, भूखों मरना। रॉ, नॉट कुक्ड, कच्चा, जो पका हुआ ना हो। प्रिफर, टू लाइक मोर, किसी को ज़्यादा पसंद करना या किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना या तरजीह देना, ज़्यादा तवज्जो देना। हारमनी, प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, उसे कहते हैं हारमनी, हिंदी में कहेंगे तालमेल। असेट, वैल्यूबल पर्सन, कीमती इंसान, या फिर संपत्ति भी कहते हैं। कप अप, डील विथ, सामना करना, मुकाबला करना, फेस करना। शेड्यूल, टाइम टेबल, हिंदी में कहेंगे समय सारणी। स्ट्रेचिंग, पुलिंग आर्म्स, लेग्स एट्सेट्रा, हम अपने बॉडी के पार्ट्स को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं कसरत के तौर पे, उसे कहते हैं स्ट्रेचिंग, जैसे कि हाथ पैर खींचना। फ्रेंजी, टेम्पररी मैडनेस, थोड़े समय का जो पागलपन होता है उसे कहते हैं फ्रेंजी। अप्लॉज, तालियों की आवाज़, तालियों की गड़गड़ाहट को हम कहते हैं अप्लॉज। कंक्लूड, टू फिनिश, समाप्त करना या किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना, किसी फैसले पे आना। ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ थैंक्स, थैंक्स की फीलिंग होना, यानी कि आभार। टिप, एडवाइस, सलाह। मेलोडियस, मेकिंग अ प्लेजेंट म्यूजिकल साउंड, मेलोडियस मतलब कि मधुर, मीठा, जिसको सुनने में अच्छा लगे, जो सुनने में काफ़ी मीठा हो, उसको कहते हैं मेलोडियस। ग्लोसरी के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी शॉर्ट नोट्स की तरफ। पहले शॉर्ट नोट्स का नाम है वेज ऑफ इम्प्रूविंग रिटेंशन, यादाश्त शक्ति को इम्प्रूव करने के तरीके। आपको पॉइंट्स कुछ इस तरह से दिए जाएंगे, जिन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करनी होगी। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली शॉर्ट नोट्स। रिटेंशन इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाई मोस्ट स्टूडेंट्स, रिटेंशन मीन्स यादाश्त,
याददाश्त एक प्रॉब्लम है फेस्ड बाय जो कि फेस की जाती है या झेली जाती है बाय मोस्ट स्टूडेंट्स, ज़्यादातर विद्यार्थियों के ज़रिए। यानी कि याददाश्त ज़्यादातर छात्रों के सामने एक समस्या है। देयर इज़ नो फिक्स्ड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग रिटेंशन। याददाश्त में सुधार की कोई निश्चित तरीका नहीं है, कोई निश्चित विधि नहीं है। बट अ स्टूडेंट मस्ट आइडेंटिफाई द वे इन विच ही और सी लर्न्स। लेकिन एक स्टूडेंट को उस तरीके की पहचान करनी चाहिए जिसमें वह सीखता है। देयर आर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। विभिन्न प्रकार की सीखने की स्टाइल्स हैं, सीखने की शैलियाँ हैं, जैसे कि लिसनिंग सुनना, राइटिंग लिखना, ड्राइंग फ्लो चार्ट बनाना एंड डायग्राम्स और डायग्राम्स बनाना, डिस्कशन विचार विमर्श करना, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग्स चिंतनशील विचार एट्सेट्रा आदि। अलग अलग शिक्षण शैलियाँ हैं सीखने के लिए, जैसे कि सुनना लिखना फ्लो चार्ट और आरेख बनाना, विचार विमर्श करना, चिंतनशील विचार आदि के जरिए हम अपनी अ स्टूडेंट नीड्स टू आइडेंटिफाई, एक स्टूडेंट्स को ज़रूरत है टू आइडेंटिफाई पहचानने की विच स्टाइल सूट्स हिम और हर, कौन सी शैली कौन सी स्टाइल उसको सूट करती है द बेस्ट, सबसे ज़्यादा सूट करती है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी स्टाइल उसको सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ती है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वो उसको पहचानना होता है। टू राइट एन एसे, एक निबंध लिखने के लिए वी ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड क्रिएट अ वेब। एक निबंध लिखने के लिए हम विचारों का मंथन करते हैं और एक जाल तैयार करते हैं, जाल बनाते हैं, फॉलोड बाय अरेंजिंग द आइडियाज लॉजिकली एंड कंस्ट्रक्टिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसके बाद लॉजिकली रूप से विचारों को हम अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं और उससे हम निबंध को लिखते हैं। बाय डूइंग सो, ऐसा करके वी एडॉप्ट, हम अपनाते हैं मोर देन वन स्टाइल ऑफ लर्निंग। हम लर्निंग की एक से ज़्यादा स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं या उसको अपनाते हैं। दैट जो कि हेल्प्स टू रिमेम्बर, जो कि हेल्प करती है टू रिमेम्बर, याद रखने के लिए, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक के लिए। ऐसा करके हम सीखने की एक से अधिक शैली को अपनाते हैं जो लंबे समय के लिए याद रखने में हमारी हेल्प करता है। दैट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग रिटेंशन, जो याददाश्त शक्ति को सुधारने में हमारी मदद करेगा। एंड और ब्रेन टॉनिक्स डू नॉट वर्क, ब्रेन टॉनिक्स काम नहीं करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ब्रेन टॉनिक पी लेंगे तो आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड शॉर्ट नोट्स की तरफ, जिसका नाम है प्रोफेसर मैकेज व्यूज ऑन शेयरिंग। शेयरिंग के ऊपर प्रोफेसर मैके का क्या विचार है, क्या उनके थॉट्स हैं उसको जानते हैं। शेयरिंग का मतलब यहाँ पे है अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से या दूसरे लोगों से शेयर करना। मिसेस सुहानी मेहताज डॉटर, मिसेस सुहानी मेहता की बेटी, एंजॉयज मज़े करती है हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करती है, पढ़ाई में मज़े लेती है। मतलब कि मिस्टर सुहानी मेहता की जो बेटी है उसको पढ़ाई करने में मज़ा आता है। बट सी डज नॉट शेयर एनी थिंग, लेकिन वो कुछ भी शेयर नहीं करती है, कुछ भी चीज़ बताती नहीं है अबाउट स्कूल एंड स्टडीज़, उसके स्कूल के बारे में और स्कूल की पढ़ाई के बारे में कुछ भी चीज़ वो शेयर नहीं करती है विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। सी अवॉइड्स, वह इग्नोर करती है डिस्कसिंग द स्कूल एट होम, घर पर स्कूल के बारे में डिस्कस करने पर वो क्या करती है, अवॉइड करती है, यानी कि वो घर में स्कूल की बातों को डिस्कस नहीं करती है।
अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैके के हिसाब से, उनके अनुसार इफ शेयरिंग इज मिसिंग, अगर शेयरिंग मिसिंग होता है, यानी कि जहाँ पे शेयरिंग नहीं की जाती है, जहाँ पे अपनी बात को हम दूसरों के सामने नहीं बताते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं, वहाँ क्या होता है देखते हैं। बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे जो शेयरिंग मिसिंग होती है, ये शेयरिंग ना करने के जवाबदार दोनों होते हैं। दोनों कौन? चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, बच्चे और माता पिता, दोनों ही जवाबदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शेयरिंग इज द ग्लू, शेयरिंग ग्लू है, यानी कि एक गम है, एक गुंदर है, जिस तरह से पेज को चिपकाने के लिए हम ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, गम का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से शेयरिंग भी एक ग्लू है। दैट बाइंड्स, जो कि बांध के रखता है, अ फैमिली टुगेदर, एक फैमिली को साथ में। शेयरिंग एक ऐसा ग्लू है जो फैमिली को एक साथ में बांध के रखता है, यानी कि हम चीज़ें शेयर करेंगे तो फैमिली बंद करके रहेगी, फैमिली बिखरेगी नहीं। जनरली, सामान्यतः टीनेजर्स फाइंड इट अनकंफर्टेबल, सामान्यतः जो टीनेजर्स होते हैं, यानी कि जिनकी एज 13 साल से 19 साल के बीच में होती है, ऐसे जो लड़के लड़कियां होते हैं, उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, यानी कि उनको सही नहीं लगता है। टू शेयर ऑल डिटेल्स, सभी जानकारी को शेयर करना उनको सही नहीं लगता है। रिलेटेड टू देयर लाइफ्स, उनकी ज़िंदगी से संबंधित, अक्सर या सामान्यतः जो टीनेजर्स होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में या ज़िंदगी से संबंधित सारी डिटेल्स शेयर करना उनको सही नहीं लगता है, उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। सो इसलिए पेरेंट्स मस्ट कंसिडर टू दिस, इसलिए इस बात को पेरेंट्स को ध्यान में रखना ही चाहिए। एंड डिसाइड देयर रिस्पॉन्स टू देयर शेयरिंग, और जब वे शेयरिंग कर रहे हों, जब बच्चे कुछ बता रहे हों, तो उस पर कैसा रिस्पॉन्स पेरेंट्स को देना है उसको डिसाइड करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्चे ने हमारे साथ चीज़ शेयर की है, हमने उसके शेयरिंग पे कुछ गलत रिस्पॉन्स कर दिया और नेक्स्ट टाइम से वो हमारे साथ उस चीज़ को शेयर करना ही बंद कर दें। इसलिए जो रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी मैटर करता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब भी वो शेयरिंग कर रहे हो तो अपने रिस्पॉन्स को डिसाइड करना चाहिए, मतलब कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो उनके शेयरिंग के मुताबिक होना चाहिए, ताकि उनको भी नेक्स्ट टाइम शेयर करने में अच्छा लगे। नेगेटिव रिस्पॉन्स एंड प्रीचिंग डिस्करेज चिल्ड्रन, अगर गलत तरीके से आप उनका रिस्पॉन्स करेंगे और उनको ज़्यादा, मतलब कि बड़ा बन करके उनको ज़्यादा आप अथॉरिटी की तरह ऑर्डर देंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो हौसला है वो टूट जाएगा, बच्चे डिस्करेज हो जाएंगे, बच्चे आपसे डरना शुरू कर देंगे। इसीलिए नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव प्रीचिंग ये बच्चों को डिस्करेज करती है, नेक्स्ट टाइम से वो आपके साथ चीज़ शेयर नहीं करेंगे। तो नेगेटिव रिस्पॉन्स और प्रीचिंग बच्चों को डिस्करेज करती है, ये नहीं करनी चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट रीड द इंटेंशन ऑफ पेरेंट्स, बच्चों को भी जो पेरेंट्स का इंटेंशन है, पेरेंट्स का जो इरादा है, उसको समझना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जो बात करते हैं वो बच्चों के भले के लिए करते हैं, तो दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नॉट शेयरिंग एनीथिंग, कुछ भी शेयर ना करना मे लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स, किसी भी चीज़ को शेयर ना करना गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। आई होप स्टूडेंट, सेकेंड शॉर्ट नोट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो आइए हम बढ़ते हैं थर्ड शॉर्ट नोट्स की तरफ, जिसका नाम है डॉक्टर मंसूरीज एडवाइस टू कंदर्प, डॉक्टर मंसूरी की सलाह कंदर्प को। ट्यून अप मीन्स प्रिपेयरिंग योर माइंड एंड बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। ट्यून अप मीन्स, ट्यून अप का मतलब होता है प्रिपेयरिंग, तैयार करना, योर माइंड एंड बॉडी, तुम्हारे दिमाग और बॉडी को, हमारे दिमाग और बॉडी को तैयार करना, उसको कहते हैं ट्यून अप फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, किसी खास काम के लिए, किसी खास काम के लिए हमारी बॉडी और हमारे माइंड को प्रिपेयर करना, तैयार करना, उसे ट्यूनअप कहते हैं। टू ट्यूनअप फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए ट्यूनअप करना। स्टूडेंट्स शुड नो, स्टूडेंट्स को मालूम करना चाहिए या फिर पता होना चाहिए
हाउ बॉडी एंड माइंड वर्क इन हार्मनी, किस तरह से बॉडी और माइंड तालमेल में काम करते हैं, किस तरह से ये दोनों ही माइंड और बॉडी मिल करके काम करते हैं, यह इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में स्टूडेंट को पता होना चाहिए। स्टूडेंट शुड आइडेंटिफाई हिज और हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्टूडेंट को पता होना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को पता लगाना चाहिए हर स्ट्रेंथ्स, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी मजबूताई क्या है, एंड वीकनेसेस और उनकी कमजोरियां क्या हैं, यह उनको पता होनी चाहिए या उनको पता लगाना चाहिए। स्ट्रेंथ्स विल हेल्प हिम और हर कॉप द एग्जाम्स। जो उनकी स्ट्रेंथ होगी, जो बच्चों की स्ट्रेंथ होगी, वह बच्चों को उनके एग्ज़ाम के सामने मुकाबला करने में, एग्ज़ाम को पास करने में वो उनकी स्ट्रेंथ उनको हेल्प करेगी, हेल्प करेगी। अ स्टूडेंट्स बॉडी एंड माइंड आर ट्यून्ड अप टू द स्कूल टाइम टेबल। स्टूडेंट्स का बॉडी और माइंड स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से ट्यूनअप होना चाहिए, मतलब कि रेडी किया जाना चाहिए। बट लेकिन व्हेन ही और सी रिसीव्स बोर्ड एग्जाम शेड्यूल, लेकिन जब वह बोर्ड की एग्जाम का जो टाइम टेबल होता है वो उनको मिलता है, ही और सी शुड प्रिपेयर अ न्यू टाइम टेबल। तो उनको, यानी कि जो गर्ल्स या बॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक नया टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, बनाना चाहिए बेस्ड ऑन हिज और हर एनर्जी लेवल। उनकी एनर्जी का जो स्तर है, उनकी जो ताकत है, उसके हिसाब से उनको टाइम टेबल बनाना चाहिए, नया टाइम टेबल बोर्ड की एग्जाम के लिए। ही और सी शुड आइडेंटिफाई द बेस्ट टाइम। स्टूडेंट्स को बेस्ट टाइम पहचानना चाहिए। When his or her energy level is high, जिस वक्त उनकी एनर्जी का जो लेवल है काफ़ी हाई हो, उस समय को उनका पता करना चाहिए कि मैं किस समय ज़्यादा पढ़ाई कर सकता हूँ, किस समय मेरे में ज़्यादा एनर्जी होगी तो मैं ज़्यादा पढ़ाई कर सकता हूँ। उस पर्टिकुलर टाइम को उनको पता होना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए वो चीज़। ट्राई टू मैच इट विद द टाइम स्लॉट ऑफ एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन आने वाली है तो उसके बीच और आपके टाइम टेबल के शेड्यूल के बीच कितना टाइम बचा हुआ है, कितना टाइम स्लॉट है, उसको मैच करने की कोशिश करना चाहिए कि उस टाइम पीरियड के अंदर आपके जो एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, रिवीजन हो जाए, उसको मैच करना चाहिए इस तरह से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिलैक्स, टू ट्यून अप योर बॉडी एंड माइंड। अपने माइंड और बॉडी को ट्यून अप करने के लिए रिलैक्स करना भी, उनको रिलैक्स देना भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर बॉडी को और माइंड को किसी चीज़ के लिए तैयार करना है तो बॉडी और माइंड को रिलैक्स देना भी बहुत ज़रूरी है। देर आर सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक्स। कुछ सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आराम मिलता है बॉडी और माइंड को, जैसे कि प्राणायाम, योगासन, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मीन्स अपने बॉडी के पार्ट्स को, हाथ पैरों को स्ट्रेच करना, खींचना, ऊपर नीचे दाएं बाएं करना, कसरत करना एक तरह से। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना, सॉन्ग सुनना। टेकिंग अ वॉक, टहलना। हैविंग अ कप ऑफ ग्रीन टी, ग्रीन टी पीना एक कप। टॉकिंग टू फ्रेंड्स और पेरेंट्स, अपने माता पिता से और दोस्तों से बात करना। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ चीयरफुल मूड। यह भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंड हमेशा खुश रहे, हमारा मूड हमेशा खुशनुमा रहे, अच्छा मूड रहे। आई होप स्टूडेंट्स, ये तीनों शॉर्ट नोट्स और ग्लोसरी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो के जरिए उन सभी को फायदा पहुंचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।